1:03 हो चले हैं, लेकिन दिल्ली सहित मुंबई में बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम बहुत तेज हो गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा ऑडियो आप कीजिए। आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई महिला कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की जो नेता हैं, दिल्ली पुलिस के साथ में उनकी झड़प भी हो रही है। एक बार ऑडियो आप कीजिए। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, ये दिल्ली और मुंबई से अलग अलग जगह से खबर आ रही है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में है। दिल्ली में सैकड़ों हजारों की तादाद में ये कार्यकर्ता उतरे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में संजय सिंह की पेशी भी होने वाली है। बिग ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर देश की अभी की सबसे बड़ी खबर। संजय सिंह को आज अब से थोड़ी देर के बाद में अदालत में पेश करेगा प्रवर्तन निदेशालय। 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए हैं संजय सिंह। प्रवर्तन निदेशालय के पास शराब घोटाले को लेकर के सवालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है और यकीनन अदालत के अंदर रिमांड की मांग की जाएगी। कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड की मांग करेगी ईडी, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अब यह फैसला किया है कि संजय सिंह की रिमांड मांगी जाए। एक बार फिर से आपको लेकर के चलते हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाएं। ये एक एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ऑडियो आप कीजिए। मेरे कोलीग नवी निशांत ज्यादा जानकारी के साथ लाइव है। नवी निशांत, अभी आप कहां पर हैं? आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर्स कितनी तादाद में हैं? अभी इनके लोकेशन क्या है? क्या बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है और इन्हें रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए मैं देख पा रहा हूं कि बहुत जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे जाने की कोशिश भी की जा रही है। नवीन, आप बिल्कुल देखिए, राशिद आपको बता दें कि देखिए कार्यकर्ता को, और ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, रोहित महरोलिया विधायक हैं, ये पुलिस से यहाँ बहस करते दिख रहे हैं, झड़प करते पुलिस से यहाँ दिख रहे हैं। और आपको दिखा दें कि ये विधायक हैं और कैसे कार्यकर्ता विधायक की यहाँ पुलिस से झड़प होती आपको नजर आ रही है। एमएलए है यहाँ के, और देखिए कैसे इन्हें डिटेन किया यहाँ पर जा रहा है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ के समय अभी के समय जो है उन्हें यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पूरे स्पॉट को तुरंत यहां से खाली किया जाए। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ ग्राउंड पे हो रहा है। रोहित महरोलिया थे, विधायक थे, ये प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उन्हें अभी के समय यहां से डिटेन कर लिया गया है। और पुलिस ने जो प्रदर्शन की जगह है उसे लगभग यहाँ से थोड़ी जगह को यहाँ से खाली करा लिया है, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्हें पुलिस द्वारा यहां से लगातार हटाया जा रहा है, जो पीछे की तरफ ढकेला जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीर देखिए, जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें कैसे सड़कों पे अभी के समय घसीटा जा रहा है, और कैसे उन्हें अभी के समय घसीट के सड़कों पे जो पुलिस की टीम है वो इन्हें यहां से घसीट के ले जा रही है। तो देखिए कैसे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर हैं, उन्हें अभी के समय सड़कों पे यहां घसीटा जा रहा है, और जो पुलिस की टीम है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को यहां पे हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पुलिस द्वारा लगातार इन्हें यहां से धक्का देकर यहां से हटाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, ताकि जो जगह है उसे खाली कराया जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भाजपा मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो उसको रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ के जवान है, वो तमाम लोगों को यहाँ पर अभी के समय ढकेला जा रहा है। जो पुलिस के जवान हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा देंगे, देखिए कैसे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस द्वारा अभी बल का प्रयोग करके, यानी धक्का देकर, जो जगह है यहाँ से जगह खाली कराई जा रही है, और उन्हें वापस जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां पर उन्हें भेजा जा रहा है, ताकि सड़क को खाली कराया जा सके। पिछले 2 घंटे जो ये मुख्य सड़क है बंद, 2 घंटे से हो चुका है, ये
ये सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो ऐसे में सड़क को खाली कराने की जो कोशिश आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश अभी के समय पुलिस द्वारा की जा रही है, और लगातार पुलिस द्वारा इन्हें हटाए जा रहे हैं ताकि सड़क खाली कराकर जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट यहाँ पर कराया जा सके। तो लगातार जो प्रोटेस्ट है वो अभी के समय जारी है, लगातार जो प्रोटेस्ट है वो आम आदमी पार्टी का जारी है। सड़कों पे प्रदर्शन करती नजर आ रही है, और लगातार दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सैनिक बल के जवानों की कोशिश है कि सड़क को यहां से जल्द खाली कराया जाए ताकि जो ट्रैफिक है उसका जो मूवमेंट है वो यहां पर बहाल किया जा सके, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जिन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार किया था उनकी अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पेशी होने वाली है। जी राशिद, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी दिल्ली की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नवीन, क्या कोई जानकारी है कितनी देर के बाद ईडी संजय सिंह को अदालत में पेश करेगी, क्या संजय सिंह का मेडिकल हो गया है और ईडी कितने दिन की रिमांड की मांग करेगी, और अगर संभव हो तो फिर आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे आप बात भी कीजिए, और बीच में जाकर के आप रिपोर्टिंग करते रहे, बीच बीच में आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है लेकिन जितनी तस्वीरें हैं दिखाते रहिए। बिल्कुल, देखिए राजेश बता दे, संजय सिंह से जुड़ा सवाल आपने किया, तो संजय सिंह को कल जब गिरफ्तार किया गया था उसके तुरंत बाद एक संजय सिंह का मेडिकल कराया गया था, आरएमएल से डॉक्टर की एक टीम ईडी मुख्यालय पहुंची थी और एक तुरंत उनका मेडिकल कराया गया था, और आज सुबह कोर्ट में पेशी से पहले भी उनकी एक मेडिकल कराई गई है और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाती है। तो ईडी आज निश्चित रूप से संजय सिंह की रिमांड की मांग करेगी और 7 दिनों की रिमांड ईडी मांग सकती है। 1:30 बजे के करीब का समय है जब संजय सिंह को राउज एवेन्यू के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, और निश्चित रूप से ईडी उनके 7 दिनों की रिमांड की मांग करेगी। और प्रदर्शन की आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो प्रदर्शन यहाँ हो रहा था उसे अब काफी हद तक दिल्ली पुलिस ने खत्म करा दिया है, यानी जो पूरी सड़क थी जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, लोग बैठे हुए थे, उसे काफी हद तक यहाँ पर खाली करा दिया गया है। जो माहौल है वो अब धीरे धीरे आपको शांत होता नजर आएगा। जो पुलिसकर्मी है वो लगातार जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर है उन्हें यहाँ से हटाते नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पुलिस और सिर्फ पुलिस ही नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जबरदस्ती पार्टी ऑफिस के अंदर भेजने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक इस मुख्य सड़क को बंद नहीं किया जा सकता है, यानी जो पूर्वी दिल्ली से जो सड़क आती है और जो नई दिल्ली की तरफ जाती है तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग उसकी एक कनेक्टेड सड़क है, और इस सड़क को अगर ज्यादा देर तक बंद किया जाता है तो ट्रैफिक की काफी समस्या हो सकती है। तो इसे लेकर जो प्रदर्शन है उसे खत्म कराने की तैयारी आम आदमी जो दिल्ली पुलिस है वो कर रही है, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आतिशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन, आपका सेम चीज हो रहा है, आप बात करते रहे, आतिशी से आप बात करते रहे, हम आवाज सुन रहे हैं। एक बार अजीत श्रीवास्तव के पास जाते हैं, अजीत इस वक्त ईडी दफ्तर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजीत, कितनी देर के बाद में ईडी की टीम लेकर के निकलेगी संजय सिंह को, संजय सिंह की आज सुबह से लेकर के अभी तक दोपहर का वक्त कैसा गुजरा है, क्या संजय सिंह का मेडिकल हो गया है? अजीत, देखिए सवा दोपहर है कि राशि मैं बता दूं कि अभी ईडी की टीम जो है बस 2 बजे के बाद से यहाँ पर संजय सिंह को लेकर रवाना होगी। जिस हिसाब से हम कहें तो 24 घंटे मेडिकल होता है, मेडिकल सामने हुआ था तो मेडिकल की जरूरत नहीं, जैसा कि मेरे ईडी सोर्स बता रहे हैं, उनका सवा दोपहर कह रहा है कि 2 बजे के बाद से जो है संजय सिंह को लेकर राजवनी कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले ईडी के कुछ ऑफिसर थे लगातार जो पूछताछ कर रहे थे, अभी पूछताछ नहीं, अभी लंच का समय है तो कुछ खाना पीना संजय सिंह भी खा रहे हैं, तो अब कुछ देर बाद ही उसके बाद से ईडी के ऑफिसर संजय सिंह को लेकर राजवनी कोर्ट जाते नजर आएंगे। अब पूरी तरह से चैन क्लियर होगा। अजीत आप चुके हैं, अक्षित भी रिपोर्ट कर रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से, अक्षित लाइव, अजीत श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं ईडी दफ्तर से लाइव, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जहां प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली से लाइव नवीन निशांत है, सभी को एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। सुजाता द्विवेदी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लाइव है जहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अक्षित के पास चलते हैं, अक्षित, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की हलचल क्या है? जी बिल्कुल राशिद, आपको बता दें अभी हम राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि संजय सिंह को जो है लगभग 2 बजे के करीब जो है लाया जा सकता है। अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो आप उधर देख सकते हैं
थोड़ा दूर है वो यहाँ से, किस तरीके से जो है सिक्योरिटी वहां पर लगा दी गई है, तमाम जो है बैरिकेड्स वगैरह भी लगा दिए गए हैं। आपको सिर्फ एक मिनट के लिए अक्षित रुकना पड़ रहा। आम आदमी पार्टी के नेता बड़े प्रवक्ता दिलीप पांडे इस वक्त मेरे साथ में है। दिलीप पांडे कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुनिए इंडिया न्यूज पर दिलीप पांडे को लाइव एंड एक्सक्लूसिव। कोशिशें नाकाम होंगी, आज यहाँ भाजपा ने प्रोटेस्ट बंद कराया है लेकिन विरोध बंद नहीं होगा, विरोध इंसाफ मिलने तक जारी रहेगा। देश की जनता भाजपा ईडी और सीबीआई के गठबंधन के खिलाफ एकजुट हो गई है और भाजपा अपने हार की प्रत्याशा में 24 के चुनाव में घबरा कर इस तरह की घटिया हरकतें कर रही है। 1000 रेड में 1 रुपए का भी सबूत आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ न मिलने के बावजूद आधारहीन गिरफ्तारियों में भाजपा ईडी और सीबीआई का गठबंधन देश की जनता के सामने आ गया है। हम भाजपा ईडी और सीबीआई के गठबंधन की बात को घर घर तक लेकर जाएंगे, जनता को एकजुट करेंगे और संजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी को रिहा करना पड़ेगा। दिलीप पांडे को लाइव अभी आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिलीप पांडे एक बार फिर से मेरे साथ में लाइव हैं, सुनाया जाए। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होता है लेकिन भाजपा को डेमोक्रेसी से क्या मतलब, भाजपा को देश के संविधान से क्या मतलब। भाजपा हर विरोध के स्वर को कुचलने के लिए ही देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी और सीबीआई को भेज रही है। झारखंड में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, दिल्ली में देखिए, तो ये इतिहास में परंपरा रही है। जो भी शासक जिससे घबराता है उसको उठा के जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। आज भी वही हो रहा है और पिछले कल भी वही हुआ और आने वाले समय में भाजपा यही करने वाली है, कम रुकने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा को हम बताना चाहते हैं, संजय सिंह शेर है आम आदमी पार्टी का, ये कार्यकर्ता विधायक सांसद मंत्री सब कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त है, कोई रुकेगा नहीं तब तक जब तक कि 24 में तुमको बाहर का रास्ता दिखा ले। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने जबरन हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म कराया, हम पे हमला किया, मारपीट की। उनको समझना पड़ेगा और जिनके निर्देश पे ये काम कर रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा, प्रोटेस्ट बंद हुआ है, विरोध जारी है। तानाशाही का और 2024 में इस तानाशाही सोच के लोगों को जनता घर भेजने का काम करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 2024 में जो इंडिया अलायंस बन रहा है उसे घबरा कर ये छापेमारी चल रही है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर इसी पिछले 15 महीनों में जो इन्होंने तथाकथित घोटाले का जो रूप दिया है, 1000 से ज्यादा लोगों के यहाँ रेड हुई, 1000 से ज्यादा जो है अधिकारी इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिसके यहाँ पर भी रेड होती है आप बताइए एक छोटे पैसे का, एक नए पैसे की जो है वहाँ पर उसको नहीं मिलता है सबूत के तौर पर और ना ही वो प्रदर्शित करते हैं। अमूमन जब भी ईडी या सीबीआई कहीं पर भी कोई रेड करती है तो वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट बनाती है कि ये मिला, लेकिन ऐसा कुछ ना संजय सिंह जी के घर से मिला, ना मनीष सिसोदिया जी के घर से मिला, ना अन्य और ठिकानों से मिला। तो ये मनगढ़ंत कहानी है, हार की अपनी बौखलाहट है, डराने का प्रयास है, तोड़ने का प्रयास है। ना हम टूटेंगे ना हम डरेंगे, डटकर इस तानाशाही मानसिकता का हम सामना करेंगे। चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह था, लेकिन राखी बिड़लान से लेकर के दिलीप पांडे तक आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं अगर नाम था तो आप ये बताएं एक पैसे की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं हुई है। फिर से चलते हैं अजीत श्रीवास्तव के पास में। अजीत, दिल्ली मुंबई पुणे में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है लेकिन ईडी दफ्तर के अंदर की हलचल क्या है, आपके जरिए ही हम जानना है। संजय सिंह की रात कैसे गुजरी ये बताएं, सुबह से लेकर के अभी तक क्या हुआ ये अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। ईडी ने सवालों की फहरिस्त में क्या क्या सवाल तैयार किए हैं शराब घोटाले को लेकर? देखिए राशि, पहले बता दूं कि इस समय ईडी हेडक्वार्टर में संजय सिंह मौजूद है। इसी हेडक्वार्टर में थोड़ी देर बाद यानी 2 बजे के तकरीबन ईडी के जो ऑफिसर जो होंगे संजय सिंह को राउंड जरूरी रिकॉर्ड ले चलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो रात भर जो हुई, रात में भी उनको आराम से यहाँ पे सोने दिया, खाने को दिया, उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होते हैं उनके सामने क्वेश्चन रखा जाता कि देखिए साहब अब ये बताइए कि जिस हिसाब से विजय नायर जो इवेंट के नाम से जो पैसे का पूरा लेन देन किया था उससे आपके संबंध कैसे थे। सबसे बड़ी बात की जो बात दिनेश अरोड़ा ने कहा है, दिनेश अरोड़ा ने अपने स्टेटमेंट संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मेरे साथ में अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक बार लाइव सुनिए। यहाँ तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था वो बिल्डिंग गिर गई, सोचिए। ये तो एक है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली मुंबई पुणे में आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए दिल्ली में आगे जा रहे थे, बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें